Hello students, so till now we have studied about the chapter motion and the chapter force and laws of motion. हमने भी motion के बारे में पढ़ा, speed, velocity, acceleration, time और force and laws of motion. Laws पढ़े motion के, ठीक है, three equations पढ़ी motions की. जो next chapter हमने पढ़ना है बेटा, इस lecture में हम पढ़ेंगे next chapter, that is gravitation. ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा है, बहुत इजी चैप्टर है, आप सब लोगों को पता है, डेली लाइफ से रिलेटेड है. ठीक है, तो आइए समझते हैं ग्रेविटेशन क्या होता है. मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ. अगर मेरे पास ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं किसी हाइट पे थ्रो करूंगा तो ये मार्कर नीचे आएगा, किसी हाइट पे थ्रो करूंगा तो नीचे आएगा, खुद नीचे आता है मार्कर. ठीक है, अगर हम उसको ऊपर फेंकें किसी भी ऑब्जेक्ट को, मार्कर है कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको मैं ऊपर फेंकूँ किसी हाइट पे, तो क्या होता है, मार्कर अपने आप नीचे आता है. ठीक है, अपने आप मार्कर नीचे आता है. तो मार्कर नीचे क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट की तरफ, एक तो मेरे पास अर्थ है और मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट अगर नीचे गिर रहा है तो ये क्यों ऑब्जेक्ट नीचे क्यों गिर रहा है. ठीक है, मतलब जो अर्थ है वो इस ऑब्जेक्ट पे कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा है. ठीक है, कैसे, आपने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ा, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ कब जाता है, जब बाहर से कुछ फोर्स लगती है, एक्सटर्नल फोर्स लगती है. That means इस मार्कर पे भी कोई फोर्स लग रही है जो कि इसको नीचे गिरा रही है. ठीक है, तो पहला तो एग्जाम्पल क्या हो गया, When we throw any object, when we throw any object to a certain height, to a certain height, it comes back to earth. इट कम्स बैक टू अस. ठीक है, अर्थ या अगर हमने फेंका तो हमारी तरफ, जिसका क्या मतलब हुआ कि अर्थ की तरफ, तो अगर हमने कोई भी ऑब्जेक्ट फेंका है तो वो क्या आएगा, अर्थ की तरफ आएगा. ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है, हमारे पास सोलर सिस्टम में क्या है, सन है, सन और प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, वहां इलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट कर रहे हैं, उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड सन, प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं. वो कैसे रिवॉल्व कर रहे होंगे, कभी सोचा, प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं ना, घूम रहे हैं, तो वो कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि ये प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, धीरे बाद उसकी एनर्जी खत्म होगी और सन में आगे टकरा गया, ऐसा तो नहीं होता. ठीक है, सेम अगर मैं अर्थ की बात करूं, ये सपोज मेरे पास अर्थ है, ठीक है, तो जो अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है मून, वो अर्थ के अबाउट रोटेट कर रही है. ठीक है, मून रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ. ठीक, तो अर्थ, मून भी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ के अराउंड घूम रहा है. ठीक है, ये सब कैसे हो रहा है, ठीक, इन सब के पीछे क्या फिनोमिना है, इन सब के पीछे जो फिनोमिना है उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन. उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन, या एक तरह की फोर्स है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, ये अर्थ के, सन के अराउंड कोई भी प्लेनेट या अर्थ या कोई भी प्लेनेट सोलर सिस्टम में रिवॉल्व कर रहा है, वो कैसे रिवॉल्व कर रहा है, कुछ ना कुछ इन दोनों के बीच में फोर्स है. ठीक है, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स है, और वो कैसी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है. ऐसे ही मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, इन दोनों के बीच में कुछ फोर्स लग रही है. ठीक है, अर्थ मून पे फोर्स लगा रहा है, मून अर्थ पे फोर्स लगा रहा है. ठीक, तो वो कैसी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है. तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स जनरली जो आप ये देखते हैं सोलर सिस्टम का, मून का, अर्थ और मून का, या हम कोई भी चीज फेंक रहे हैं तो वो नीचे आती है. ठीक, ये सब किस लिए होता है, ये सब एक फोर्स की वजह से होता है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, हम ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, उस फोर्स को हमने क्या नेम दिया, उस फोर्स को हमने नेम दिया ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक, सो व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर हम पढ़े तो हम क्या बोल सकते हैं, या हम ये पढ़े कि जनरली जो डेफिनेशन कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम इसको, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स every other object
विद अ फोर्स. क्या बोला मैंने कि ये हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है विद अ फोर्स एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी मेरे पास, मैंने बोला कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं इस यूनिवर्स में, सपोज ये दो मार्कर हैं, ठीक है, या एक मार्कर है और एक मेरे पास डस्टर है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं किसी फोर्स से, मतलब ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब ये इस पे फोर्स लगा रहा है अपनी तरफ खींचने के लिए, ये इस पे फोर्स लगा रहा है अपनी तरफ खींचने के लिए. ठीक है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं जो कि अट्रैक्टिव फोर्स होती है. अट्रैक्टिव मतलब पास, रिपल से क्या होता है, दूर रिपेल कर रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, पास आने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन दोनों के बीच में एक फोर्स लगती है और वो फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. अब मेरे को एक चीज बताओ, अब आप बोलोगे सर ठीक है आपने बोल दिया एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये जब मार्कर मैंने गिराया नीचे, अर्थ और मार्कर दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, एक अर्थ हो गया और एक मार्कर, ठीक, मैंने गिराया मार्कर नीचे आया, आप बोलोगे सर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि अर्थ ऊपर आए, अट्रैक्ट तो ये भी कर रहा है, ये अर्थ पे फोर्स लगा रहा है और अर्थ इस पे फोर्स लगा रही है, यही तो ग्रेविटेशनल फोर्स है. ठीक, सो इसमें अगर मैं बोलूं वाई मार्कर और डस्टर और एनीथिंग एनी ऑब्जेक्ट व्हाई फॉल्स ऑन अर्थ, व्हाई नॉट अर्थ कम्स टू मार्कर और डस्टर, अर्थ क्यों नहीं आई मार्कर या डस्टर के पास, मार्कर या डस्टर क्यों जा रहा है अर्थ के पास, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ. देखिए अब आपने पढ़ा है फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, सबने पढ़ा सेकंड चैप्टर में. ठीक है, एक पर्टिकुलर फोर्स के लिए अगर ये फोर्स कुछ कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन हो जाएगा. एक पर्टिकुलर फोर्स के लिए मास और एक्सीलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. कैसे, सपोज मेरे पास फोर्स 6 है, मास 3 है, एक्सीलरेशन 2 है, तो 3 to the 6 हो गया, फोर्स कांस्टेंट ही है. ठीक है, अगर मैं मास को 2 कर दूं, कम कर दूं, तो मुझे एक्सीलरेशन को ज्यादा करना पड़ेगा, मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, एक दूसरे से अपोजिट है. तो एक पर्टिकुलर फोर्स के लिए जिसका ज्यादा मास होगा उसकी एक्सीलरेशन क्या होगी, कम होगी. ठीक है, यही मतलब है. अब इजीली समझ लो, मास किसका ज्यादा है, डस्ट ये मार्कर और अर्थ में से मास किसका ज्यादा है, अर्थ का ज्यादा है. आप बोलोगे सर अर्थ का ज्यादा है, ठीक है, अर्थ का मास ज्यादा है तो अर्थ की एक्सीलरेशन क्या होगी, कम होगी. और चौक का और इसका मार्कर का क्या है, मास बहुत कम है ना अर्थ के कंपैरिजन में, बहुत कम है, तो मार्कर की एक्सीलरेशन क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी. ठीक है, तो ऐसे दिखेगा कि मार्कर नीचे जाएगा, ऑब्वियसली अर्थ तो मूव नहीं करेगी ना, अर्थ का मास बहुत ज्यादा, एक्सीलरेशन बहुत ही कम है, तो अर्थ तो जहां है वहां रहेगी, क्या मूव करेगा, मार्कर. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कि सर अर्थ क्यों नहीं मूव करती मार्कर के पास, मार्कर क्यों मूव करता है अर्थ के पास, ये कि फॉर अ पर्टिकुलर फोर्स, ऐसे लिख सकते हो आप इसको यहां, फॉर अ गिवन फोर्स मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया एक्सीलरेशन, सो मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन एंड मास ऑफ अर्थ इज ग्रेटर देन मास ऑफ मार्कर, सो एक्सीलरेशन ऑफ अर्थ is less than acceleration of marker. Acceleration earth की कम होगी. That's why earth does not come to marker. Marker goes to earth. Marker जाता है ना हमारा earth की तरफ, कोई भी object ऊपर फेंके वो नीचे जाता है. Marker हो या कोई भी object हो, जो object है वो earth के mass से तो कम ही है ना, earth का mass तो बहुत ज्यादा है. ठीक है, earth के mass से तो कम ही है. तो ये हमारे पास क्या आ गया, gravitational force की बात करी हमने. ठीक है, gravitational force की बात करी. अब ऐसे ही यहां देखो, अब सन और अर्थ है, सन और अर्थ आपस में रिवॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, आप बोलोगे सर सन और अर्थ आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैं कहूंगा हां कर रहे हैं.
सन अर्थ की तरफ क्यों नहीं जा रहा या अर्थ सन की तरफ क्यों नहीं आ रहा? क्यों? क्योंकि इनका मास दोनों का इतना कंपेरेबल है कि अर्थ और सन आपस में, ये इस पे फोर्स लगा रहा है, ये इस पे फोर्स, पर मास इनका ऐसा कि ये दोनों ही नहीं हिल रहे, अपनी अपनी जगह क्या कर रहे हैं, सिर्फ रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, अपनी अपनी जगह क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। सो दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसके बाद हर चीज का लॉ होता है, हमने पढ़ा, ठीक है, हर चीज को लॉ से डिफाइन करते हैं, हम इसमें लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटेशन का एक पर्टिकुलर लॉ होता है ना, हर चीज का एक पर्टिकुलर हम लॉ बना देते हैं कि ये सारे यूनिवर्स में एप्लीकेबल है। ऐसा तो नहीं है कि मार्कर, यहां अगर मैं इंडिया में बैठा हूं और मैं मार्कर फेंक रहा हूं, मार्कर जमीन पे गिर रहा है, मैं अमेरिका में चला जाऊं वहां मार्कर फेंक रहा हूं, वहां मार्कर जमीन पे नहीं गिर रहा, ऐसा तो नहीं है ना, तो पूरे यूनिवर्स में एक जैसा है, यूनिवर्स मतलब अर्थ पे भी और अर्थ के बाहर भी, स्पेस में भी, सोलर सिस्टम में भी। तो नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन ने ये लॉ दिया दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये लॉ क्या कहता है, सेम चीज जो हमने पढ़ा, एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स दैट इज, अब ये तो आपको पता है हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को, दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है एक फोर्स से, ठीक है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इजी है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एक तरह का लॉ हो गया, दैट इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मतलब पूरे यूनिवर्स में ये चीज क्या है, मेरे पास सेम है, ठीक है, पूरे यूनिवर्स में ये चीज सेम है। क्या बता रहे हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है। तो मैं ऐसे स्टार्ट करता हूं, सपोज मेरे पास क्या है, दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, इस एक का मास है कैपिटल एम, एक और ऑब्जेक्ट है उसका मास है स्मॉल एम, दो ऑब्जेक्ट हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा सेंटर से सेंटर का लेते हैं, ठीक है बेटा, डिस्टेंस हमेशा ऐसे नहीं कहेंगे यहां से यहां का डिस्टेंस है, डिस्टेंस सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस होता है, ये जनरली आपको हायर क्लासेस में बताता है पर मैं आपको बता रहा हूं यहां, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है सपोज ये है आर, ठीक है, आपको डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट मिलेगा, किसी बुक में आर की जगह क्या मिलेगा, डी भी मिल सकता है, ठीक है, ये आर या डी कुछ भी लिख सकते हो, ये क्या है हमारा बेसिकली डिस्टेंस है, ठीक, डिस्टेंस है दोनों के ऑब्जेक्ट्स के बीच में। तो लॉ क्या बोलता है कि हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है, ठीक है, फोर्स कैसा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तो एफ जी लिख दिया मैंने, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, दोनों के बीच में डिस्टेंस के, डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब क्या है कि एफ जी जो है वन बाय, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन, यहां पर मैं लिख रहा हूं स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस के स्क्वायर के होता है, ठीक है, सपोज आर डिस्टेंस है या डी डिस्टेंस है, जो भी है, मैं आर से कर रहा हूं, आप डी से भी कर सकते हैं, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक तो ये हो गया, और लॉ दूसरा क्या कहता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मासेस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मास के, स्मॉल एम के, और दूसरा मास क्या है, कैपिटल एम, इन दोनों मासेस के, जो भी दो ऑब्जेक्ट का मास होगा उसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अगर जब मैं इन सबको मिलाऊंगा तो इन सबको मिलाने पर मेरे पास क्या आएगा कि जो मेरे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है, दोनों मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये मेरे पास आ गया, इस लॉ ने ये बोला, जो ये हमने थ्योरी पढ़ी इसका मैथमेटिक्स अगर देखेंगे तो यही बोला इस लॉ ने, ठीक है।
एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट. जब हमारे पास सपोज दो ऑब्जेक्ट हैं तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे फोर्स लगाएगा, ये ऑब्जेक्ट इस पे फोर्स लगाएगा, किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों के मासिस के, मतलब डिपेंड करती है किस पे, दोनों के मासिस पे डिपेंड करती है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किस पे डिपेंड करती है, इस डिस्टेंस के, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर पे. ठीक है, सपोज मेरे पास ये यहां पर दो मार्कर हैं, ठीक है, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके होगी, इस मार्कर के मास के, इस मार्कर के मास के, दोनों का मार्कर का मास और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसके. ये आ गया मेरे पास. अब ये तो आया प्रोपोर्शनल का साइन. अगर मुझे इक्वेशन बनानी है, इक्वल टू का साइन लगाना है, आप सबको पता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया, जब इक्वल का साइन लगाना है तो यहाँ कुछ कॉन्स्टेंट आ जाता है, ये कुछ कॉन्स्टेंट आ गया. सपोज मैंने उसको कैपिटल जी से डिनोट किया, ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें बेटा, कैपिटल जी से डिनोट किया, ये कॉन्स्टेंट आ गया कैपिटल जी, तो मेरे पास फोर्स की टोटल वैल्यू आ गई, इक्वेशन आ गई, ठीक है, एंड दिस कैपिटल जी, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट. एक ऐसा कॉन्स्टेंट जो यूनिवर्सल है, मतलब पूरे यूनिवर्स में इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू सेम है, ठीक है, पूरे यूनिवर्स में क्या है, इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू सेम है, ठीक, और इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, ठीक है. फोर्स क्या हो गया, जी एम एम बाय आर स्क्वायर, ये फोर्स वही फोर्स है जो सिंपली फोर्स है, बस ये फोर्स किसकी वजह से, ग्रेविटेशन की वजह से, इसको इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स बोल दिया. तो इसकी यूनिट क्या होगी, वही होगी न्यूटन, ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन, या क्या होगी, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये होगी. तो ये आ गया मेरे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट. आइए इसकी वैल्यू देखते हैं, मैं इसको रब कर देता हूं यहां से, ठीक है, इसकी वैल्यू देखते हैं, यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या है. यहां से अगर मेरे पास ये है, यहां से मैं जी की वैल्यू निकाल लूं तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ये इधर आ जाएगा, फोर्स आर स्क्वायर अपॉन एम इंटू एम, ये आ गया, सबको पता है जी की वैल्यू. मैं अगर यहां यूनिट डालूं तो फोर्स की क्या होगी, के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, आप लिख सकते हो ना फोर्स की यूनिट क्या होगी, के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, या फिर आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट आपने, हमने पढ़ लिया, डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं फोर्स की यूनिट, न्यूटन, सबको पता है, ठीक, ये क्या है आर स्क्वायर, तो ये क्या आएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या है मास है, ये एम क्या है मीटर के लिए, मास, मास किस में होता है केजी, ये भी मास किस में होता है केजी, ठीक, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, एन एम स्क्वायर केजी माइनस टू, मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है, ये तो होगी इसकी यूनिट, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू ऑफ जी, आप इससे निकाल भी सकते हैं, यहां से फोर्स की वैल्यू सपोज पता है मेरे को, आर की, दोनों मास की वैल्यू पता है, तो मैं जी की वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूं, जो जी की वैल्यू आएगी दैट इज, आपके सिलेबस में कोई पूछेगा नहीं, पर आपको डायरेक्ट इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, अगर न्यूमेरिकल आएगा तो ये वैल्यू गिवन होगी, तो वैल्यू ऑफ जी कितना, 6.67 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 11, ये इसकी वैल्यू होती है. इंडिया में भी यही वैल्यू, अमेरिका में भी यही वैल्यू, हर जगह यही वैल्यू, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कांस्टेंट है जो पूरे यूनिवर्स में सेम है, और ये तो वैल्यू होगी. अब इसके आगे हम क्या लिखते हैं, इसकी यूनिट, और इसकी यूनिट तो हमने निकाल लिया है, क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम से. सो वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट इज 6.67 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 11, ठीक है, ये होगी यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट की वैल्यू. ठीक, समझ आ गया इतना. तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, फोर्स जी एम एम बाय आर स्क्वायर होता है, ये याद रखना है, ठीक है, जिसमें जी क्या है, यूनिवर्सल गैस, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, जिसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10 रेस्ट टू पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. ठीक, इतनी चीज आ गई, दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. आपने इसका स्क्रीन शॉट लेना है तो आपका स्क्रीन शॉट ले लीजिए. अब मैं इसके आगे एक क्वेश्चन कराता हूं, जो कि क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है. ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आता है, जो आपको न्यूमेरिकल होता है, उसमें वैल्यूज डालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली बता सकते हो क्या क्वेश्चन है. इस फॉर्मूला को यहां लिखे रहने देते हैं. मेरे पास क्वेश्चन है, इफ मास ऑफ बोथ
object gets doubled, then what is the effect on gravitational force? उसने बोला अगर दोनों ऑब्जेक्ट का मास डबल हो जाता है यहां तो ग्रेविटेशनल फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा. ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, बहुत इजी है. मेरे पास एफ जी है, कितना जी एम एम बाय आर स्क्वायर. ठीक है, उसने क्या बोला मास डबल हो गया, मतलब मास पहले एम था अब कितना हो गया, टू एम हो गया, डबल हो गया, ये मास भी डबल हो गया, तो इस पे क्या फर्क पड़ा. ठीक है, तो सपोज मेरे पास ये एक नया नया एफ डैश लिख लिया, एफ डैश या आप यहां एफ वन कुछ भी लिख सकते हैं. ठीक है, जी एम की जगह मैंने क्या डालूंगा अब, टू एम. ठीक है, डबल हो गया, मास की जगह टू एम डिवाइड बाय डिस्टेंस वैसा ही है सेम. ठीक, तो कितना हो गया, टू टू द फोर, फोर जी एम एम बाय आर स्क्वायर. ठीक है, ये कितना हो गया एफ जी वन, मतलब नया फोर्स कितना चेंज हुआ वो बता रहे हैं नया फोर्स. और ये क्या है, ये तो यही है पुराना फोर्स जी एम एम बाय आर स्क्वायर, पुराना फोर्स है ना. तो ये क्या हो गया, फोर टाइम्स इंटू फोर इंटू एफ जी, नया फोर्स कितना हो गया फोर टाइम्स. तो क्या लिखेंगे, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन एफ जी, एफ जी विल बिकम्स फोर टाइम्स. ठीक है, फोर टाइम हो गया ना, मास डबल हुआ, एम डबल हुआ, दोनों की वैल्यू डाली. ये क्या है, ये तो एफ जी था, तो नया फोर्स कितना हो गया. यहाँ आप न्यू भी लिख सकते हो, आपने अगर ये नहीं लिखना तो आप यहाँ पर न्यू फोर्स भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, बट इससे डिफरेंट होगा ना, क्योंकि मास डिफरेंट हो गए तो फोर्स भी डिफरेंट होगा. ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं. एक और क्वेश्चन यहां पर अगर आए, इफ डिस्टेंस इज डबल्ड देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन एफ जी. ठीक है, अगर मास सेम है और डिफरेंट डिस्टेंस डबल हो गया. ठीक है, मतलब ये जो दो मास हैं ये डबल डिस्टेंस पर पड़े हैं, अगर मार्कर पहले यहां पड़े हैं तो इसका डिस्टेंस डबल हो गया, अब इतनी दूर हो गई, तो फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा. ठीक है, जनरली क्या होगा, अगर हम इस फॉर्मूला से देखें तो क्या होता है, मास इंक्रीज होने पे एफ इंक्रीज होगा, न्यूमिरेटर में है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डिस्टेंस इंक्रीज होने पे ये क्या होगा, फोर्स डिक्रीज होगा. ठीक है, डिस्टेंस इंक्रीज होगा, फोर्स डिक्रीज होगा ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो आइए देखते हैं, ये एफ जी मेरे पास क्या है, सिंपल पहले फॉर्मूला लिख लो. ठीक है, अब उसने क्या बोला, डिस्टेंस क्या हो गया, डबल हो गया, डिस्टेंस डबल हो गया, बहुत इजी. तो नया फोर्स क्या होगा, न्यू फोर्स क्या होगा, जी मास तो सेम है, वो इसी क्वेश्चन में ऐसा भी बोल सकता था मास डबल हो गया, तो यहां पर इसी क्वेश्चन में ये भी करना पड़ता. ठीक है, और ये क्या है, टू आर, और इसका स्क्वायर, आर की जगह क्या हो जाएगा, टू आर. इसको सॉल्व करेंगे तो जी एम एम अपॉन टू का स्क्वायर क्या होगा, फोर, टू का स्क्वायर फोर होता है, और ये क्या देगा, आर स्क्वायर, दिस इज एफ जी न्यू. ठीक, और एफ जी न्यू कितना आएगा, ये क्या है सर, ये तो वही है पुराना एफ जी. ठीक है, और ये कितना आ गया, वन बाय फोर इंटू एफ जी, तो मतलब ये कितना हो गया, वन बाय फोर टाइम्स, वन बाय फोर टाइम्स मतलब वन बाय फोर टाइम्स कम हो गया ना डिनोमिनेटर में. तो जी अगर, तो इससे इन न्यूमेरिकल से क्या पता चला, कि सपोज मेरे पास ये दो ऑब्जेक्ट है, मैं इसका मास बढ़ा दूं और इसका मास भी बढ़ा दूं, तो मेरी फोर्स क्या होगी, बढ़ जाएगी. अगर डबल डबल कर दूं तो फोर टाइम्स हो जाएगी. ठीक है, और अगर इनका डिस्टेंस बढ़ा दूं मैं तो फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, फोर्स कम हो रही है. ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में एक चीज और याद रखनी है, कि अगर उनका मास इंक्रीज होता है तो फोर्स इंक्रीज होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, और अगर डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो फोर्स क्या होती है, डिक्रीज होती है. सो दिस इज अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है. और जो फोर्स है, अगर ये जो भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं इनके बीच में ये डिस्टेंस है. ठीक है, सपोज सेंटर टू सेंटर, जो फोर्स है इस लाइन पे ही लगती है, फोर्स ऐसी लग रही है ना, ये इसको अट्रैक्ट कर, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है यहां से, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है ऐसे. ठीक है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगी दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ऑफ ग्रेविटेशन. ठीक है, दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ऑफ ग्रेविटेशन. इस जो ये जो ग्रेविटेशन है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इसका एक कुछ इंपॉर्टेंस है. क्या इंपॉर्टेंस है, कि ये फोर्स जो है वो अर्थ को सन से बाइंड रखती है. ठीक है, अर्थ और सन
बाइंड रहते हैं आपस में, एक दूसरे में नहीं टकराते, ठीक है। जो भी प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं अर्थ के अराउंड, उसके मोशन में ये रिस्पॉन्सिबल है। और आपको पता है जो टाइड्स आती है ना, जो समुद्र में लहरें उठती हैं, टाइड्स आती हैं, वो टाइड्स भी क्यों आते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो टाइड आती हैं, ठीक है। तो ये तो बात होगी ग्रेविटेशनल फोर्स की, ठीक। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा हमने, पढ़ा कि फोर्स क्या है, FgmmR2, और जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रास गैस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 6.67 × 10^-11 Nm² पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सारे प्लैनेट्स मूव करते हैं, टाइड्स आती हैं जो वो इसकी वजह से आती हैं, अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक बेटा यहीं खत्म होता है, दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे पढ़ते हैं, इस चैप्टर में आगे क्या है। थैंक यू।